तो आज हम लोग अगला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का, यानी जो जीव जगत हमारा है उसका अगला वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, अब कल तक के हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो हमारा कोई भी जीव अगर पृथ्वी पर जिंदा है तो उसको हम लोग कैसे ये पहचानेंगे, कैसे उसको हम लोग जान पाएंगे कि कौन कौन सी क्रिया पाई जाती हैं या किसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को जीवित या मृत कह सकते हैं। तो बताया था जीवों के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से, उनमें से एक क्रिया हम लोग कल जो है पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को दूसरे नंबर की हेडिंग पढ़नी है, रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं प्रजनन या जनन। और रिप्रोडक्शन, प्रजनन या जनन किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो प्रोडक्शन माने होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, और री का मतलब होता है दोबारा, यानी प्रजनन। जनन का मतलब संतान उत्पन्न करना, प्रजनन माने दोबारा या एक समान अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो प्रजनन की क्रिया किसे कहते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है को क्या कहते हैं भैया, प्रजनन कहते हैं। और जो कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की। प्रजनन किसे कहते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और जो दो प्रकार की होती है, जो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है भाई। और दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, नंबर एक पर होता है हमारा अलैंगिक प्रजनन और नंबर दो पर होता है हमारा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में हम लोग अंतर जानेंगे। सबसे पहले क्या है, लैंगिक प्रजनन उन्हें कहते हैं जिनमें हम लोगों को नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं हम लोग लैंगिक प्रजनन। लेकिन ऐसा प्रजनन जिसमें लैंगिक नर और मादा युग्मक की आवश्यकता ना हो, बिना नर और मादा युग्मक के ही क्या हो जाए, हमारे संतान का निर्माण हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग अनैंगिक प्रजनन। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने अगर जो है गुलाब का पौधा देखा होगा, तो गुलाब का जब पौधा बोया जाता है तो उसकी नई तना काट करके जमीन में बो दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नया गुलाब का पौधा निकल आता है। या फिर जब आलू की खेती जब की जाती है तो आलू के छोटे छोटे टुकड़े बोए जाते हैं, यानी उसका पार्ट बोया जा रहा है, उसके अंदर नर और मादा युग्मक कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके के प्रजनन को क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन में जो संतान उत्पन्न हो रही, उस संतान को उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही पैतृक की आवश्यकता होती है, एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी एक ही साथी। लेकिन अगर लैंगिक प्रजनन हो रहा है जिसमें निषेचन हो रहा है, जिसमें एक नर युग्मक दूसरा मादा युग्मक हो रहा है, तो उसमें आवश्यक ही मुख्य रूप से ही दो पैतृक की आवश्यकता होती है। जैसे जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर क्या कौन सा प्रजनन पाया जाता है, हमेशा लैंगिक प्रजनन। इसलिए इसके अंदर नर और मादा युग्मक के संयुग्मन से होता है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है, इसमें सदैव कितने साथी की, कितने पार्टनर की आवश्यकता होगी, दो पार्टनर की आवश्यकता होगी, और हमेशा कितना होता है, बाईपेरेंटल होता है। तो ये दो तरीके के हो गए। इसमें सीधे सीधे जो है नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, इसमें केवल और केवल क्या होता है, नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही प्रकार के होते हैं, ये आगे चलकर अभी पढ़ेंगे कितने प्रकार के, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है। जैसे ही हम लोग अपने माँ के पेट में होते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर जो है इस तरीके से ये हमारी होती है भैया ओवरी, आपको पढ़ाया जाएगा आगे। और यहां पर क्या होता है, इस तरीके से यहां से हमारा भाई स्पर्म आता है, दिख नहीं रहा होगा छोटा सा, और ये होता है भाई मादा युग्मक, ये मादा युग्मक होता है और ये नर युग्मक होता है। और इन दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या होता है, निषेचन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये याद रखिए, लैंगिक जनन के अंदर इसमें नर और मादा युग्मक के संयुग्मन से होगा, और सदैव दो पैतृक की आवश्यकता होती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, बिना किसी नर या मादा युग्मक के संयुग्मन से होता है, और इसमें सदैव एक पैतृक की आवश्यकता होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के। अब
अलैंगिक जनन को हम लोग इनके प्रकार को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, अब अलैंगिक जनन के प्रकारों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे जो अलैंगिक प्रजनन है हमारा, और अलैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन होता था जिसमें किसी भी प्रकार की, ना ही हमें नर युग्मक की मेल गैमिट की आवश्यकता होती थी, ना ही हमें मादा युग्मक फीमेल गैमिट की आवश्यकता होती थी। इसमें केवल और केवल क्या होता था कि एक ही पैतृक के द्वारा, एक ही पेरेंट्स के द्वारा जो है नए जीव का निर्माण हो जाता था, उसे कहते थे हम लोग अलैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार क्या है? नंबर एक पर अलैंगिक प्रजनन है हमारा द्विविभाजन द्वारा। द्विविभाजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या है, मान लीजिए कोई एक सेल है इस तरीके से और उसके अंदर विभाजन हो गया, तो विभाजन के फलस्वरूप क्या हुई, एक से दो नई जो है जीव बन गए। इसको कहेंगे दो विभाजन, द्विविभाजन यानी विभाजन होकर दो पुत्र बने या दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ, इसीलिए से क्या कहते हैं द्विविभाजन। और ये जो कटिंग हुई है यहाँ पर, इस तरीके के विभाजन को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है, ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिए, समसूत्री विभाजन सीधे सीधे, जब किसी एक कोशिकी जीव या कोई भी बहुकोशिकी जीव हो, तो जब समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकी जीव से दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जब समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकी जीव दो पुत्री कोशिका में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। और द्विविभाजन की क्रिया जो होती है ये एक कोशिकी जीव व बहुकोशिकी दोनों के अंदर पाई जाती है, लेकिन द्विविभाजन की क्रिया जो एक कोशिकी जीव में होती है ये कहलाती है प्रजनन। अगर यही द्विविभाजन की क्रिया बहुकोशिकी जीव में हो तो ये कहलाती है हमारी वृद्धि। जैसे हम लोग बहुकोशिकी जीव हैं, हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं एक दिन में लाखों अरबों खत्म भी होती हैं, लाखों अरबों क्या होती हैं नई निर्माण होती हैं, लेकिन हम अपनी संख्या थोड़ी ना बढ़ा लेते हैं, अपन लोग हम लोग क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर कोई एक जीव ऐसा है जिसके अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जा रही और वो एक कोशिका से दो बनाएगा तो दो नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए द्विविभाजन की क्रिया जो है एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव दोनों के अंदर क्या होती है पाई जाती है। तो ये नंबर एक प्रकार हो गया अलैंगिक प्रजनन का, क्या द्विविभाजन द्वारा, जब समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकी जीव दो पुत्री कोशिका में क्या हो जाता है विभाजित हो जाती है, और द्विविभाजन की क्रिया एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों में क्या होती है पाई जाती है। नंबर एक प्रकार की हो गया। अगला प्रकार पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन का मुकुलन के द्वारा। मुकुलन को कहते हैं इंग्लिश में बडिंग के द्वारा। अगर आपने आलू या अदरक देखी हो तो आलू या अदरक के ऊपर छोटे छोटे जो है मुकुल निकल आते हैं, इस तरीके से अगर आपने देखे हों आलू या अदरक के ऊपर छोटे छोटे से ये मुकुल निकल आते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग मुकुल, या इंग्लिश में बोलते हैं बड। और ये मुकुल क्या होते हैं, टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं और इनसे नए क्या होता है, नए जीव का, नए आलू या नए अदरक का निर्माण हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग मुकुलन। तो मुकुलन की क्रिया क्या होती है, केवल और केवल आपको एग्जांपल याद रखना है, बाकी आने वाले चैप्टर में आपको ये विधिवत पढ़ाया जाएगा होता क्या है। तो इस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन होता है मुकुलन वाला, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, यीस्ट में और हाइड्रा। यीस्ट और हाइड्रा ये दो ऐसे जीव हैं जिनके अंदर कौन सा पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन, मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन द्वारा होता क्या है, मुकुलन शरीर से छोटे छोटे उभार निकल आते हैं, बड़ निकल आते हैं, जिनसे नए जीव का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। तो मुकुलन किसमें पाए जाते हैं, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर मुकुलन की क्रिया होती है। अब बीजाणु द्वारा क्या होता है, बीजाणु जिन्हें कहते हैं हम लोग स्पोर इंग्लिश में। अब अगर आपको कवक कोई होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कवक बन गया हमारा, और इस कवक के अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे दाने के समान, ये नग्न आंखों से हमें नहीं दिखाई पड़ते, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, कवक को कहते हैं इंग्लिश में भैया फंजाई। इस टाइम पर जो आपने डिसीज सुनी होगी, बीमारी सुनी होगी, ब्लैक फंगस,
ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं, वही एक कवक का रूप है। तो कवक का होता क्या है कि अपने अंदर बहुत छोटे छोटे नग्न आंखों से जो हमें नहीं दिखाई पड़ सकते हैं ये स्पोर बीजाणु बना लेता है। ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों अरबों की संख्या में होते हैं। और जब इनकी ये बीजाणुदानी फट जाती है तो ये स्पोर निकल कर कहाँ आ जाते हैं, वायु में आ जाते हैं। हो सकता है ये स्पोर जमीन में गिर करके एक नया कवक बना ले, हो सकता है ये किसी दूसरे इंसान के ऊपर मान लो आ जाए तो ये क्या कर ले, उनके अंदर बीमारी उत्पन्न कर ले। तो होता क्या है, कवक एक बार में अरबों अलैंगिक बीजाणु यानी बहुत ही अधिक संख्या में अलैंगिक बीजाणु ये बना लेते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिनसे क्या हो जाता है, नए कवक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ये कवक मान लो स्पोर यहाँ पर उड़ करके आ गया तो इससे एक नया बन जाएगा हमारा कवक। इस तरीके से ये अलैंगिक बीजाणु बनाते हैं जिनसे क्या होते हैं बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक तादाद में क्या होते हैं हमारे कवक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक बार इसको रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। एक प्रकार और बचा हुआ है इसका, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। नंबर एक, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। द्विविभाजन द्वारा क्या होता है, जब समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव दो पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाए। यहाँ पर समझाया है दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविभाजन कहते हैं। और द्विविभाजन की क्रिया किस में पाई जाती है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों जीवों के अंदर पाई जाती है। और दूसरा हमारा अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन के द्वारा। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन केवल और केवल किस में, यीस्ट और हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। जबकि बीजाणु वाला जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है ये केवल और केवल किस में, कवक के अंदर। कवक एक बार में अरबों की संख्या में क्या करते हैं हमारे बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं जिनसे नए नए कवक का क्या हो जाता है, निर्माण। एक प्रकार और बचा है इस अलैंगिक प्रजनन का, उसको पढ़ते हैं फिर ये वाली हेडिंग हम लोग खत्म करते हैं। तो चलते हैं अगली हेडिंग में हम लोग। तो अगला हमारा जो प्रकार बचा हुआ जिसे हम लोग कहते हैं खंडन द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब किसी भी जीव का कोई एक टुकड़ा टूटे और उस टूटे हुए टुकड़े से एक नया जीव बन जाए तो उसे कहते हैं हम लोग खंडन या फ्रेगमेंटेशन। लिखा हुआ है जब किसी जीव के खंडित भाग से नए जीव का क्या हो जाए, निर्माण हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। जब किसी जीव के खंडित भाग से नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, नया जीव बन जाए। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए ये कोई एल्गी है हमारी, फिलामेंटस एल्गी ले ली और इससे जो है इतने टुकड़े टूट गए, तीन टुकड़े, और हर एक टुकड़े से नई एल्गी का निर्माण हो गया, नए शैवाल का क्या हो गया, निर्माण हो गया इस तरीके से। तो इसे ही कहेंगे हम लोग खंडन के द्वारा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए। नंबर एक पर क्या होता है, एक जीव है जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, सत्य पुनरुद्भवन, यानी जैसे ही उसके शरीर का एक टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिरेगा तुरंत ही उससे क्या हो जाएगा, एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सत्य पुनरुद्भवन, यानी इसके अंदर नए टुकड़े से टूटकर नया जीव जो बनता है बहुत तेजी के साथ बनता है, इसीलिए इसे कहते हैं सत्य पुनरुद्भवन। और किसमें पाया जाता है, केवल और केवल प्लेनेरिया के अंदर सत्य पुनरुद्भवन पाया जाता है। अगली बात करेंगे, इसी तरह कवकों के अंदर भी पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन। और एक फिलामेंटस एल्गी वाला उदाहरण हमने ले ही लिया। फंजाई को हिंदी में हम लोग कहते हैं कवक, एल्गी को कहते हैं शैवाल, और ये तो एक हमारा पौधे का नाम ही होता है मॉसेस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। और फंजाई को कवक कहते हैं, प्लेनेरिया ये भी एक जीव का नाम है। तो ये एग्जांपल याद रखिए कौन कौन से, प्लेनेरिया, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। तो ये चार उदाहरण याद रखना है किसके अंदर, पुनरुद्भवन के अंदर या फ्रेगमेंटेशन या खंडन की विधि के द्वारा। और ये किसका प्रकार है, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार। इसमें किसी भी दो जो है साथियों की, दो पार्टनर की जरूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर नर युग्मक की आवश्यकता होती है ना ही इसके अंदर मादा युग्मक, क्योंकि जब किसी भी शरीर का पार्ट टूटेगा तो उससे नया जीव बन जाए तो किसी भी प्रकार का इसमें युग्मक नहीं मिलना है।
अब फिर ये कह सकते हैं कि क्या अगर कोई भी जीव अगर उसको पहचानना है, अगर उसमें प्रजनन की क्रिया पाई जा रही है, तो क्या वो जीवित होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी जीव अपने समान जो संतान उत्पन्न करे उससे कह दिया जाए कि हाँ ये जीवित है। जैसे लिखा हुआ है जो खच्चर होते हैं, खच्चर जिसे म्यूल कहते हैं, और मधुमक्खी तीन प्रकार की होती है, एक होती है मेल, दूसरी फीमेल, और तीसरी होती है श्रमिक वाली, आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो खच्चर हुआ, श्रमिक मधुमक्खी और इन्फर्टाइल, जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते मानव दंपति, ऐसे मनुष्य के जोड़े जिनके बच्चे नहीं होते, श्रमिक मधुमक्खी और खच्चर, ये कभी भी अपनी जिंदगी में संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या आप बताइए जो ऐसा मनुष्य जो संतान नहीं उत्पन्न कर सकता है वो क्या जीवित है कि मृत? तो आप कहेंगे जीवित। तो इसका मतलब ये है कि प्रजनन की सहायता से हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई भी जीव अगर किसी में प्रजनन की क्रिया पाई जाती है तो वो जीवित है, अगर नहीं पाई जाती है तो वो मृत है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि दंपति आदि प्रजनन नहीं कर सकते हैं फिर भी यह क्या है, जीवित है ये सब। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए जो है प्रजनन जो है जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, यानी ऐसा गुण नहीं है जिसके बलबूते पर हम कह दें कि अगर इसके अंदर प्रजनन नहीं पाया जाता तो ये जो है जीवित है या ये अजीवित है। तो याद रखिएगा क्या कि खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी और ऐसे मनुष्य के दंपति या ऐसे कपल जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो वो क्या मृत हैं, क्या तो कह सकते हैं कि वो जीवित हैं लेकिन उनमें प्रजनन की क्रिया नहीं पाई जाती। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रजनन है हमारा वो जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, उसके आधार पर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जीवित है या मृत है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं प्रजनन के बारे में। आने वाली अगली वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।